एंड लुक एट द व्यू गाइस, क्या ही व्यू है। और ये साथ में नीचे वैली, ये इसको और भी खूबसूरत बना रही है भाई। तो यहाँ एक आपको दो कट मिलेंगे, वन ऑफ द राइट एंड वन ऑफ द लेफ्ट। तो आपको जाना है भाई लेफ्ट में, आगे राइट पे जो नीचे वाला रास्ता होता रहा है भाई, ये आर्मी का है। आई होप आगे शायद बंकर्स भी होंगे, तो उस वाले रोड पे ना जाना भाई, लेफ्ट में चलना। और ये अपन न्यू व्यू के साथ टर्न लिया, एक बहुत डिफरेंट वैली है भाई, बहुत डिफरेंट सुपर व्यू। ये आ गई भाई एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। वैली जो है ना बहुत डिफरेंट है, लद्दाख का जो अलग से जो रूट काटा ना, ये बहुत ही प्यारा रूट है। जीसस लव यू। ओए होए क्या स्टीप आई है भाई, मजा आ रहा है इस स्टीप पे। बाइक को लोड बहुत मिल रहा है, चलने दो चलने दो। और ये जो भाई रेता पड़ा है ना बाइक को, ये मान लो हैंडलिंग में बड़ी दिक्कत आती है, इतना ज़्यादा स्टीव है। अब आप देख लोगे बंदे की बाइक भी नहीं ऊपर आ रही। फन भाई फन, क्या स्टीव आई है भाई, मज़ा आ गया। क्या चढ़ाई है भाई, भाई स्टीव इतना है कि बाइक हार मान जाती है यार। चढ़ जा बेबी चढ़ जा, चढ़ जा बेबी चढ़ जा। चढ़ गई भाई, एक बार इसको मौसम बनना चाहिए बस इसका यार, तभी चढ़ती है। ओए होए क्या ही ऑफ रोडिंग है भाई, क्या ही स्टीव है, बहुत मज़ा आ रहा है इस स्टीव पे चढ़ाने में। ये जो साथ में रहता है ना, ये इसकी स्पीड बिल्कुल नहीं बनने देता। पहला गियर ही बेचारा ही मान लो रो रो के चढ़ता है। फर्स्ट गियर में भाई 4000 RPM के अराउंड बाइक चल रही है, एंड इंजन का साउंड आपको आ ही रहा होगा किस लेवल पे इसको बेचारी को खींचना पड़ रहा है इंजन। ओए होए सामने का व्यू क्या ही आ रहा है यार, बहुत डिफरेंट है भाई, जन्नत। बाइक तो गई, बाइक का हाल देखो क्या हो रहा है, इतनी स्टीव चढ़ाई है कि पहला गियर भी गया मेरा। आई एम डैम श्योर कि कोई ऊपर कोई ना कोई पास आने वाला है, और बाइक की तो भाई क्या हाल हो गया है। ये लो भाई, ये तो बस चढ़ चढ़ चढ़, और ये भाई चढ़ गई। इंजन का साउंड सुन रहे होंगे, बाइक का स्ट्रेस जो है वो आपको फील हो रहा होगा। एंड वहाँ अपने भाई लोग खड़े हुए हैं, मर गई बहनचोद। चलो 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 चलो, ओ भाई क्या ही चढ़ाई है, बाइक की स्पीड ढीली करते ही बाइक का तो मान लो मरना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बेटर है भाई बाइक को एक मतलब RPM पे सेट करो और चलने दो, जहां भी आपने क्लच पकड़ा समझो मामला साफ, खींचते रहो। भाई ये ट्रिप है ना बहुत डिफरेंट लेवल का हो चुका है। और ये है धर्मेंद्र भैया की बाइक जिसकी क्लच डेड हो चुकी है, या ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब ये ऊपर जा नहीं रही है बिल्कुल, लॉक, एक कदम भी नहीं चल सकती बेचारी, ये बिल्कुल डेड हो चुकी है। और हम लोग जा रहे हैं ऊपर लिंक शेड, वहां से कोई ना कोई पिकअप या कोई हेल्प लेके आते हैं वापस, इसको लोड करवानी पड़ेगी बाइक को। और बाइक सच में भाई हाल खराब हो गए यहाँ पर, बहुत स्टीव चढ़ाई है भाई, बहुत स्टीव चढ़ाई है भाई, यहाँ बाइक्स के हाल खराब हुए पड़े हैं। अभी हमें पता है कि यहाँ से कैसे कैसे उठानी पड़ेगी, सो मैं वेट कर रहा हूँ पहले वो लोग निकल जाएं, फिर नितिन भैया, फिर मैं निकलूँगा।
चढ़ जाओ बापू। धर्मेंद्र भाई की बाइक में इसलिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि धर्मेंद्र भाई ने 110% क्लच पकड़ा होगा। बाकी आप ऐसे रोडों पे ना क्लच मत पकड़ो। ओ भाई कितना स्टीव आ गया एकदम से। ओ भाई दिस इज़ द मुर्गम पास। हमें नहीं पता था एक्चुअली मुर्गम पास है, बट हमने यहाँ से लोकल से पूछा और वहाँ धर्मेंद्र भाई की बाइक लोड करवा दी है। एंड दिस इज़ द वे फॉर लिंक शेड एंड यहाँ जांसकर और ये जाएगा आपका सीधा लमायरो। तो चलो जी हम यहाँ से निकलते हैं। ऑक्सीजन बहुत कम है और यहाँ मेहनत बहुत करवा दी इस बाइक ने, तो सो सैड फॉर धर्मेंद्र भैया। और भाई यहाँ पर जो गाड़ी वाले ना बहुत मुँह फाड़ते हैं यार। अब ये लगा लो यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर जाना है और इस बंदे ने ना 18,000 रुपये ले लिए। हाँ गाइस 18,000 रुपये बाइक लोड करा के ले पहुँचाने तक के। हमें अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़, बट ठीक है यार हमारे साथ मजबूरी थी तो हमें देना पड़ेगा। अब नाउ वी लेट रोल टू ले। अब प्लान दोबारा चेंज हो चुका है, अब हम कारगिल नहीं, अब हम ले जा रहे हैं भाई। और अभी यहाँ से कम ले पहुँचने में 5:15 हो चुके हैं तो रात को 1 या 1:30 बज जाएगा। बाबा जी मैर करना आज के लिए, बहुत लेट हो जाएंगे बट कोई बात नहीं, पहुँचना तो है अपनी डेस्टिनेशन पे। भाई इतनी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई है और यहाँ पर रेगुलर एक तरीके से काम चल रहा है, तो बस ये एडवेंचर ज़्यादा टाइम का नहीं है। 2-3 साल में रोड्स कंप्लीट बन जाएंगी, देन उसके बाद भाई एडवेंचर ओवर। एंड लुक एट द व्यू गाइस, वहाँ से वो वैली दिख रही है आपको कितनी प्यारी लग रही है और साथ ही साथ में ये सनसेट होने का टाइम हो चुका है। ओए होए सामने का व्यू देखो भाई, क्या कातिलाना लग रहा है यार। सो भाई लोगों वहाँ आ चुका है कोई पास, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा पास है बट स्टिल वहाँ जाके ही पता लग पाएगा। थोड़ा सा अभी एक आधा टर्न और लेके ऊपर पहुँचेंगे, वहाँ आपको दिख रहे होंगे वहाँ फ्लैग्स वगैरह बंधे रहते हैं। तो चलो जी, और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, शायद से हम रेन चीटर पहन लेंगे जिससे विंड जो है हवा की जो ठंड है वो रुक जाएगी। और मुझे मेनली पहनने ग्लव्स, मेरे हाथ हो चुके हैं लाल बिल्कुल। या तो शिपेला पास हो गई है या फिर होगा भाई सिंगेला पास। फाइनली वेटेड एट सिंगेला, सिंगेला मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। इस टाइम पर सिंगेला पास पर ना कोई भी नहीं होता, एक हम है जो घूम रहे हैं इस टाइम पर सिंगेला पास। टाइम हो चुका है भाई 6:10 और अभी भी भाई करीबन 3 घंटे बोल रहे हैं भैया, बट स्टिल 2-2.5 घंटे लगेंगे। और यहाँ ये श्लश आ चुका है। ओए होए होए होए, ये ब्लैक आइस मरवा देती है तो इससे थोड़ा आराम से और बच के ही निकलना पड़ेगा। ये दूर से दिख रहा है कुछ स्लश, ओ बच गया, बट ये स्लश नहीं है भाई, ब्लैक आइस। ब्लैक आइस पे ना कभी भी भाई टायर स्टेबल नहीं होता, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क नहीं करता, कुछ भी वर्क नहीं करता, सिर्फ आपको अपना ही कंट्रोल रखना है। ओए होए होए भाई लुक एट द रोड यार, कितना प्यारा सीन लग रहा है। और अभी हमें वहाँ से होते हुए नीचे उतर के वहाँ निकलना है, बहुत मज़ा आ रहा है, शानदार। एक शॉर्टकट से इतना फ़र्क आ गया कि वो तीनों भाई उधर से आ रहे हैं हमारे, और मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट मारा था ये वाला और सीधा भाई मैं यहाँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 मीटर का फर्क तो आ ही गया। सो इधर भाई अपने लाला भाई हो चुके डाउन। ओ भाई चढ़ा भी नहीं जा रहा, KTM गिर चुकी है लाला जी की। अपनी हिमालयन देखो कहाँ खड़ी हुई है, अटक गई बेचारी, बहुत स्टीफ चढ़ाई थी। आज का जो कंटेंट है वो है हमारे ये स्वीट से लाला भाई। दुनिया चैन वैन ऊपर लगाती है, चैन नीचे लगा रहे थे। टाइम हो चुका है 7:15 एंड फोटोस्कर हमने क्रॉस कर दिया। एक्चुअली फोटोस्कर का रास्ता जो था वो अलग था एंड नाउ वी आर गोइंग टू ले। और ले का भाई यहाँ से तो बहुत दूर है, बट स्टिल खालसा एक जगह है जहाँ से खलसे एक जगह है भाई यहाँ से, वो है 40 किलोमीटर अराउंड। और वहाँ से रोड हो जाएगा अच्छा, और कहीं ना कहीं एक बार ब्रेक लेके खलसे पहुँच के घर वालों को अपडेट कर देंगे यार, वो कल से ट्राई कर रहे होंगे और सुबह से हम नेटवर्क में नहीं है। फाइनली ब्रो सिरसिला इज हियर, फाइनली भाई सिरसिला पहुंच चुके हैं एंड दिस इज 15,700 फीट। और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा लेट करेंगे नहीं क्योंकि अब बहुत अंधेरा हो जाएगा और ज़्यादा यहाँ स्टे नहीं करेंगे, बस एक आधा दो फोटोज़ क्लिक करवाएंगे। सो फाइनली भाई सिरसिला, शिपेला एंड सिंगेला
एंड मुरगुमला सब पासेस हो चुके हैं कंप्लीट, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, फिर वहाँ से जाएंगे लेह की तरफ। पहले यहाँ से भाई वांगला पहुँच जाए बस एक बार, जिससे रोड अच्छे मिल जाएंगे, एक थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे हम कि हाँ निकल जा सकते हैं अपन। अभी तो हवा निकली पड़ी है भाई और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 8 बजने वाले हैं भाई, और यहाँ लेट अंधेरा होता है, अंधेरा मोस्टली हो ही चुका है, आपको दिख ही रहा होगा यार। भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा नीचे उतरते हैं, इससे अपना नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। एक वहाँ भैया लोग नितिन भैया और ये सब लाइनर्स पहनेंगे, विंड लाइनर्स। आज तो सब गिरते पड़ते फिर रहे, बहुत रात हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा, कितनी भी लाइट्स हो। लाला भैया गिरे, फिर मैं गिरा, मेरे जेरिकिन फट चुके हैं, हैंडल टेढ़ा हो चुका है, और अभी टर्न पे गिर गए, विकास भी गिर गए। भाई रोड देखने को तरस गया यार, मतलब भाई अब जाके रोड आया है, एंड सीरियसली सब हर कोई अल्लाह मचाने लग गया, भाई रोड कब आएगी, रोड कब आएगी, रोड कब आएगी, एंड फाइनली भाई रोड आ चुकी है। थक चुके हैं भाई ऑफ रोडिंग कर करके, सीरियसली भाई थक गए, मर गए, जो भी कह लो हो गया भाई, आज कांड हो गया बस। ओए होए होए, मजा से आ गया भाई। भैया अगर एक पिकअप आए ना, पिकअप गाड़ी, उसमें बाइक लोड हो तो उनको बोलना कि वो लोग लद्दाख जा चुके हैं, फोन कर लेना। सो भाई लोगों, अपन ने इधर किया था पंजाबी ढाबा पर डिनर, और टाइम हो चुका है 10:30। सो भाई जिस हाईवे पे अपन चल रहे हैं, ये हाईवे है अपना लद्दाख टू श्रीनगर वाला, ले टू श्रीनगर वाला, एंड अभी ले यहाँ से रह गया भाई करीबन 75 किलोमीटर। मोस्टली हमें एक डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे, अभी 11:15 बज चुके हैं, तो होप्स हो कि अपन 12:30-1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। और बाकी हम सब साथ में ही चल रहे हैं, बस धर्मेंद्र भैया हैं वो हमसे पीछे हैं, ट्रक में लोडेड बाइक है उनकी, तो कल वहाँ सुबह पहुँच के भाई उनकी बाइक ठीक करवानी है। और ये रोड जो है ना भाई, इसमें दिन में नज़ारे बहुत अल्टीमेट है, ट्राई करेंगे हम इसी रोड से वापस आएँ, बट हमारे साथ यार पंगा इतना बढ़ गया कि पूछो मत। भैया की बाइक और सारी आइटनरी हमने पूरी चेंज करी है दोबारा से, नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड्स ले, और शायद कल उनकी बाइक पहले ठीक कराते हैं, टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। हमने जो सोचा था सब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब भैयाओं के साथ आए हैं तो भाइयों के साथ ही चलेंगे, एंड ये भाई लोग सारे दिल्ली से हैं, और इतनी अच्छी मेरी ट्यूनिंग बैठ चुकी है, पूछो मत कि ऐसा बिल्कुल भाई वाला सीन, मतलब फील ही नहीं हो रहा कि मैं कहीं बाहर हूँ या कोई अननोन बंदे हैं, कुछ भी है, इतनी प्यारी हमारी ट्यूनिंग बैठ चुकी है। तो चलो जी साथ में ही करेंगे जो करेंगे, इनके पास टाइम नहीं है, अब साथ में इनके साथ वापस निकल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट ईयर भैया के साथ ही लद्दाख करूँगा, ये इनसे प्रॉमिस मैं कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट ईयर भाई लद्दाख आपके लिए मैं रेडी कर देता हूँ, अभी से डन कर देता हूँ। और बताओ सो भाई, कल अपन ले पहुँचे थे रात को 2 बजे और सोए हैं सुबह 5 बजे। वो क्यों सोए आपको बताता हूँ उसका रीज़न। धर्मेंद्र भी आपको पता है कि एज यूजल गाड़ी में थे पिकअप में विद इन बाइक, और भाई वो पिकअप आई नहीं, उनका नेटवर्क से फ़ोन बाहर हो गया, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी भाई, धर्मेंद्र भैया गए कहाँ गए कहाँ। मैं और विकास भैया रात को 2 बजे इनको ढूंढते रहे, एंड भैया आए रात को भाई करीबन 4:30 बजे आए हैं, और भाई इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी हमको कि यार कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बट दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और रोड से यार व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, बट हम आपको दिखा नहीं सकते थे, व्यूज़ दिखाना चाहते थे बट क्यों नहीं दिखा पाए, क्योंकि यार अंधेरा हो चुका था। बट आज हम रुके हैं भाई कृतिका गेस्ट हाउस में, रुके हुए हैं ले में, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, नेचर काफ़ी अच्छा है बंदों का, हर चीज़ में बहुत लाजवाब। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, बट प्लीज़ फिजूल में कॉल ना करना, जब आना हो तभी बुकिंग के लिए कॉल वॉल करना, नहीं तो मत करना। और आज हमारा मेरा और भैया का सीन है कि हम जाएंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, एंड साथ ही साथ में अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, वो कोई अच्छे कैफेटेरिया में बैठेंगे। कल निकल जाएंगे भाई जिस्पा की ओर, और यहाँ से जिस्पा बैठेगा करीबन 300 किलोमीटर अराउंड, नॉट बी श्योर बट हाँ 300 किलोमीटर के अराउंड। कल भाई पता लग गया होगा धर्मेंद्र भाई की बाइक ख़राब हो गई, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, बट हम सब सेफ हैं, ठीक है। धर्मेंद्र की बाइक ख़राब हो गई, वहाँ जाके ठीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया उसमें, और मजे की बात हमारा एक फ्रेंड धीरज मोंगू बन गया वो उसकी क्लिपिंग है, मैं शेयर करेंगे देखना, शेयर करेंगे आपको। एक हमारे धीरज भाई थे, वो ऊपर से ना एक मोंगू एक पैट होता है जो बहुत रेयर देखने को मिलेगा, वो गड्ढा करके घुस जाता है, तो सेम ऐसे हमारे कल धीरज भाई लाला जी मोंगू बन गए थे, वो अलग फन था,
फन था, सच में फन था यार। तो एनीवेज भाई लोगों, ये व्लॉग शायद आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों, प्लीज प्लीज प्लीज। और इन भैया का भी चैनल है, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया। अरे भैया थैंक यू। इन भैया का भी यूट्यूब पर चैनल है, मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज वहां जाके इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस में हर कोई मेहनत बहुत कर रहा है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।